देरा हो गया एंड आज का जो ब्लॉग है ना वो बहुत ज्यादा देर में शुरू हुआ है। उसका रीजन ये था, मेरे लैपटॉप के अंदर कुछ हिंजेस की दिक्कत आ रही थी एंड उसके चक्कर में एसुस का सर्विस सेंटर से बंदा आया हुआ था एंड वो भैया कर रहे थे, तो इस चक्कर में काफी ज्यादा देर लग गई, पूरा घोल डाला था उन्होंने। तो चलो भगवान का शुक्र है फाइनली ये चीज भी टल गई, क्योंकि लैपटॉप के बिना एडिटिंग का एंड बाकी चीजों का कोई काम पूरा नहीं हो सकता। इसके अंदर दिक्कत क्या हो रही थी, यहाँ पर थोड़े हिंजेस की प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह साइड में से क्रैक आ गए थे, सो दैट वॉज कवर्ड अंडर वारंटी। एंड किसी को अगर मेरे सेटअप के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, इसके ऊपर भी मैं बता दूंगा जो सेटअप मेरा है यहाँ। एंड इसके अंदर भी वैसे भी छोटपुट कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है, वो मैं आपको ज़रूर आगे बताऊंगा। बाकी आज का जो टॉपिक है अबाउट माई हेलमेट एंड इट्स मॉडिफिकेशन, या फिर इसको कह लो कि रीडिजाइनिंग माई ओल्ड हेलमेट। सो बिफोर दैट फर्स्ट हैव आर इंट्रो। हे एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ध्रुव मेरा। एंड भूले भटकते अगर आप यहाँ पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि बाइक्स कार्स एंड लाइफस्टाइल के ऊपर मैं डेली वीडियोस देता रहूँगा आप सबको एंड एंटरटेन करता रहूँगा विद वेरी वेरी न्यू एंड हॉट टॉपिक्स जो आज से पहले आपने कहीं देखे नहीं होंगे। किसी महान आदमी ने कहा है कि रूल द रोड बट फर्स्ट वेयर द क्राउन, मतलब आप समझ गए होंगे रोड के बनो राजा लेकिन उससे पहले पहन लो अपना ताज, ताज विच इंडिकेट्स योर हेलमेट। पीपल टेंड टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज ऑन अ गुड बाइक गुड मशीन बट दे डोंट डू विद द सेम ऑन हेलमेट्स। 60% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ इन इंडिया आर ड्यू टू हेलमेट्स। यहाँ मैं हेलमेट मॉडिफिकेशन की जरूर बात कर रहा हूँ बट यस, हेलमेट की इंपॉर्टेंस बताना भी आपको जरूरी है। वाइजर है ना, ये तो चेंज करने का टाइम आ ही गया है बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि साइड में से ऐसे खुल जाता है लॉक। इसके ना सबसे पहले तो स्टिकर्स उतारते हैं एंड दिस वाज आल्सो अ नेसेसरी स्टिकर दैट एवरीवन शुड हैव। स्टिकर्स ना सर्दियों के तक और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। चलो इस हेलमेट को ना मैं पूरा क्लीन करता हूँ एंड देन आपसे मिलता हूँ। मैं सच बताऊँ तो जितना सोचा था ना उससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। अभी भी देखोगे तो ग्लू के रेसिड्यू बच गए हैं और आधे घंटे के अंदर सिर्फ ये इतना सा हुआ है यार। देखते हैं अभी पूरा हटाना है, इसको पूरा हटाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ और बताता हूँ कि मैं इसके ऊपर कौन सा कलर करने वाला हूँ। ओ भाई साहब, जब से आपने मेरे को क्लीन करते हुए देखा था ना इस चीज़ को, तब से ना एक घंटा हो चुका है और इतनी बारीक बारीक चीज़ें उंगलियाँ दर्द कर गई है मेरे को उसको उतारते उतारते। तो फाइनली अपना जितना हेलमेट है ना वो सिल्वर लाइनिंग से फ्री हो चुका है। बाकी इसके ऊपर अब करनी है हमें येलो टेपिंग, अभी ये वाला एलिमेंट रहता है यहाँ पे, इसके ऊपर करनी है अभी येलो टेपिंग। एंड येलो मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि ठंड अभी आने वाली है, अगर हम लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो फिर येलो जो है वो दूर से फोकस मारेगा अलग सा। सो फोकस मारने के लिए हमें येलो करना ज़रूरी है। रेड वाला मैंने नहीं किया क्योंकि येलो का जो ट्रीटमेंट मैं इसके ऊपर करने वाला हूँ उसका रीज़न आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, और जो आप में से काफ़ी स्मार्ट लोग हैं वो ऑलरेडी समझ गए होंगे मेरी पुरानी वीडियोस जो देखते आ रहे कि मैं इसके ऊपर येलो ट्रीटमेंट क्यों कर रहा हूँ। गेस करो और कमेंट सेक्शन में डाल दो वो चीज़। हेलमेट तो आप सबने देख ही लिया है कि कैसा मैंने डिज़ाइन किया है, इसका अच्छे से कलर ग्राफिक्स आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरीके से देख लिया है। नाउ आई विल टेल यू दैट हाउ हैव आई अप्लाइड दिस थिंग एंड अगर आप अपने आप से इसको लगाते तो आपको कैसे अप्लाई करना है। सपोज आपको ये टेप जो है ये हाफ इंच है वो लगानी है यहाँ पे, जैसे मैंने ये लगाई है, लेकिन ये हाफ इंच नहीं है, ये क्वार्टर इंच है। अगर मैं इस हाफ इंच को ले जाऊँगा यहाँ पे एंड इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक पुल करूँगा सो एक दिन तक तो ये ठीक रहेगी, पर अगले दिन ना यहाँ पे कट्स के निशान पड़ जाएंगे क्योंकि इस टेप को आपने स्ट्रेच इतना ज़्यादा किया है, यहाँ पे कट्स के निशान आ जाएंगे जहाँ पर आपने इसको लगाया हुआ है। सो व्हाट्स बेटर इज दैट स्प्लिट दिस टेप इनटू हाफ, जस्ट कट इट इनटू हाफ एंड देन अप्लाई इट। आपको जो ये टेप है अमेजोन के ऊपर मैं लिंक दे दूंगा अगर वहाँ पे अवेलेबल हुई तो। Thank you.
डिज़ाइन जैसे मैंने इसको किया है, थोड़ा सा फंकी लुक दिया है, थोड़ा सा जंकी लुक दिया है, कई लोगों को बहुत पसंद आएगा, कई लोगों को बहुत बेकार लगेगा, आई कैन से अबाउट दैट। मेरे को ठीक लग रहा है, लुक मेरी चेंज करने की आदत है इसलिए मैंने ऐसा लुक दिया, ये परमानेंट कोई लुक नहीं है, एक महीने बाद बदल जाएगा। जहाँ तक बात है कि मैंने मटेरियल इसके अंदर कौन सा यूज़ किया है, मैंने इसके अंदर यूज़ किया रेडियम मटेरियल दैट रिफ्लेक्ट्स इन नाइट। सो आई हैव यूज्ड दिस रेडियम टेप, दिस इज अ कंप्लीट बंडल। आप इसको गाड़ी के अंदर कहीं पर भी सेफ्टी के लिए मेनली ये यूज़ होती है, आपने देखा होगा हाई रिफ्लेक्टिव जैकेट्स होती हैं, एंड जो हमारी ब्रॉड रेडियम टेप्स आते हैं जो कार्स पे बसेस में यूज़ होती है, ये उसी का एक छोटा सेगमेंट पार्ट है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी, अगर आप इसको लगाएंगे ना तो ये खुरचने के अलावा और कोई तरीके से नहीं उतरेगा। फॉर एनी वे अगर आपको ये ऑर्डर करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर फोन नंबर है मेरे स्टोर का, मोटो स्टोर इंडिया, वहाँ जाके आप ये किसी भी कलर के अंदर ऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एनी वे अगर आपको ये मॉडिफिकेशन या फिर हेलमेट की डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड अपने भी हेलमेट्स बना लेना, एंड यूट्यूब इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके टैग जरूर करना कि यार देखो यार हेलमेट बनाया, बड़ी खुशी मिलती है। सो आई वाज सीइंग एट द रिस्पॉन्स जो आज मैंने वीडियो डाली अबाउट द रॉयल एनफील्ड मॉडिफिकेशन एंड LED इंडिकेटर्स एंड ऑल, भाई साहब फाड़ दिया आप लोगों ने, क्या रिस्पॉन्स दिया उस वीडियो के ऊपर, सो गुड। आई मीन आई फील ब्लेस्ड टू हैव ऑडियंस लाइक यू यार, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सपोर्ट, एंड क्या बोलूँ मतलब, आई प्रोमिस टू ब्रिंग मोर एंड मोर एसेंशियल गुड परफेक्ट, आई मीन आई विल ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल फॉर यू गाइज, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड गो, ठीक है, सब्सक्राइब करें मत जाना अगर नए हो तो। तो आज की जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी एंड इन्फॉर्मेटिव थी थोड़ी सी, कहीं ना कहीं कि मैंने आपको हेलमेट के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी एंड आपको थोड़ा सा आइडिया रूबरू दे दिया कि हाँ ऐसी भी चीज़ होती है। अगर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी बाइक की सर्विस कराने जाऊंगा, विच इज़ द फर्स्ट सर्विस ऑफ 500 किलोमीटर्स जहाँ पे ऑयल चेंज होता है। आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा कवर करूँ ना करूँ, अगर मेजरली कुछ मेरे को करवाना पड़ा तो ज़रूर मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, वरना यू नो कि ऑलरेडी फर्स्ट सर्विस के अंदर कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, तो बी यू क्रिएट न्यू। Meet you in the next video super soon. Bye-bye.